बोलोगे गाइस? जी गाइस, आज के ब्लॉग में शूटिंग चल रहे हैं हमारे दीपक सेठ जी के गाइस। हाँ, शॉर्ट फिल्म। और सम्राट भाई, कुछ बोलना चाहोगे यार? मैं कुछ नहीं बोलना। क्या है यार, गुस्सा आ गया होगा? नहीं यार, मैं क्यों गुस्सा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तो आज के ब्लॉग में देख सकते हो हम लोग दीपक भैया के गोदाम में ही सोए हैं। रात को आए थे सम्राट भाई को लल्लू भाई छोड़ने, उन लोग उधर सोए थे, ये उनसे सोया है एंड उधर में दीपक भैया सोए हैं। सो गाइस, तो अब चलते हैं घर एंड पापा का फोन आ गया है, सुबह के 8 बज चुके हैं। तो भाई फटाफट अब निकलते हैं एंड देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है, देखते हैं बाहर क्या सीन है। 8 बज गया मतलब धूप निकल गया भाई, दिखाता हूँ। भाई दीपक भैया की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इसी में वो प्रीमियम मजदूरों को लेके जाते हैं एंड इधर वाइट टाइगर खड़ी है और इधर ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, सम्राट भाई और ये छोटू भाई स्टेपनी लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पंचर हो गया था भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। लल्लू अंकल कहाँ हैं? नीचे हैं। तो भाई उधर जैक का काम कर रहा है लल्लू भाई एंड इन लोग ये काम कर ले, फिर अपन लोग निकलते हैं छोटू प्रीमियम मजदूरों को लेके भाई, इसी में फिर मिलते हैं वहीं इन लोगों से। एंड अभी तो फटाफट जाना पड़ेगा हम लोगों को एंड देख सकते हो हम लोग बिजली में हैं। ये हाईवे है भाई, मतलब जैसा भी है उसके किनारे ही हैं एंड ये है दीपक भैया का गोदाम। ये कुछ सामान वामान पड़े हुए हैं भाई, इधर टेंट वेंट के काम होते हैं इनके एंड इनकी गाड़ियाँ और इधर इनका घर भी है भाई। और यूँ सम्राट भाई टाइट लगाता है, देख सकते हो ऐसे ऊपर से एकदम पकड़ के नीचे एकदम कड़क वाला। छोटू बस तो जा रही है, मैं बस में निकल जाऊँ का? ऐसा तो नहीं मेरे पापा इसी बस में जा रहे होंगे। और भाई यहाँ पे अब लल्लू भैया बिस्तर को किनारे कर रहे हैं, देख सकते हो नाइट में कॉलिन को ही बिछा दिया था लल्लू भैया। हाँ यार, तुम भी तो यहीं सोए थे ना छोटू, तुम बुला जाते हो यार। ये अंशु गाइस सोया है उधर कोने में पड़ा है एकदम। अन्य दीपक भैया हैं भाई, दीपक भैया का टेंट वेंट का काम है। अगर आपको बुकिंग चाहिए होगा तो भाई नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से अगर बुकिंग लेना होगा तो तगड़ी वाली मिल जाएगी। डीजे उजे का भी काम करते हैं और इधर गाड़ी उड़ी का भी काम करते हैं भाई, तो अगर आपको ज़रूरत होगा तो बताइएगा। एंड देख सकते हो सब उसी से संबंधित काम है भाई। दो ना तुम्हारा भी पूरा ये। तो यहाँ पे फाइनली लल्लू भैया रख दिए हैं, इसको उठाएंगे अब। हाँ छोटू उठाओ गाइस, तो चले रंजीत फोन कर रहा है। चलो यार ना, चलो हैं। सम्राट भाई बोल रहे हैं अंशु छोड़ दो। इधर देख सकते हो लल्लू भाई का काम तो एकदम जारी ही है। लल्लू भाई का काम जारी है, मेरे को पेट्रोल दिला देना है कार्ट पर वो गाइस। ये अंशु गाइस आ चुका है चेहरा धो के, समोसा खोज रहा उठते उठते। समोसा खाएगा? हाय करो। देखो हमको कहीं भी जाते हैं हमारे ब्लॉग में बच्चे जरूर मिल जाते हैं। डेरी मिल्क खिलाएगा बाबू? दे मेरे को, दे 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 दो गाइस, दे दो डेरी मिल्क सेक्शन, दे दो दे। सो गाइस, तो बहुत कड़क बंदा है भाई, नहीं देने वाला। हाँ नहीं दूंगा। चाय मिल चुका है छोटू। सो गाइस, तो यहाँ पे चाय मिल चुका है, दीपक भैया भी उठ गए हैं, चाय पी रहे हैं। हेलो कर दो दीपक भैया थोड़ा सा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस चाय पी लो, सुबह का आज के ब्लॉग यहीं से शुरुआत हो रहा है भाई। मिलते हैं वीडियो में क्या क्या होता है, बाकी अभी चाय पी लेते हैं। सम्राट अभी स्टार्ट करने वाला है अपने व्हाइट टाइगर को। कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जा रहा है दोस्त? रामनगर प्रीमियम लेने। तो भाई मजदूरों को लेने जा रहा है, तू भी जा रहा है क्या साथ में? बिकॉज गुटका लवर है तो ये लोग जा रहे हैं प्रीमियम मजदूरों को लेने के लिए भाई। एंड शायद लल्लू भाई भी जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो लल्लू? तुम भी जा रहे हो यार? ठीक है जाओ यार, हो गया, हो के आओ। ये गोदाम छोटू तुम भी जा रहे हो का? तुम नहीं जा रहे हो? छोटू को भी ले गए फाइनली, ये लोग जा रहे हैं। तो भाई यार उन लोग को वेट करना पड़ेगा, लोग आते तक अपने को यहीं रुकना पड़ेगा। तब तक दीपक भैया
था रील शूट करने गए थे भाई शॉर्ट वाला, आपको वो शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगा भाई, हम लोग भी अपने आईडी में पोस्ट करेंगे एंड देख सकते हो हम लोग ऑन द वे, आज बाइक को छोड़ के भी जाना पड़ेगा शायद, दीपक भैया बोल रहे हैं इसी में चलो करके, तो देखते हैं भाई आगे और क्या होता है। अभी तो पेट्रोल पंप जा रहे हैं फाइनली, और ये अपना छोटू है भाई, और ये वही वाला खराब रास्ता है जिसमें मैं कॉलेज जाता था एंड आपको दिखाता था, और एक बार आज फिर से देख लो भाई आप भी आगे आगे। हाँ तो ये अंशु है आगे आगे। हाँ हाँ और ये आ गया भाई अपना पेट्रोल पंप, रुपया है खोल नहीं 300 का दीपक देख ले मीटर उटर पेट्रोल है ना भाई कार चेंज करा तो पता चला डीजल वाले पेट्रोल में आए कहीं तो मार डाले थे तो फाइनली अपने गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है एंड दीपक भी है, नहीं मैं पीछे बैठ के सही हूँ अंशु, रुकना भैया रुकना, पैसा भी देना पड़ता है क्या, रुपया दे दो अंदर बेहतरीन वीडियो बनता ना, एवरेज क्या देता होगा दीपक। और भाई एवरेज बता रहा है अंशु, अब पूछ रहा है इसी के पास आपको बोला था शूटिंग के लिए मैं, हो गया कोई नहीं। और भाई फाइनली अभी पेट्रोल डल चुका है एंड अपन लोग निकल चुके हैं, दीपक भैया गाना वाना नहीं चलता है तो भाई यार यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग रात में जब आए थे सम्राट भाई लोग को छोड़ने तो दो बाइक लेके आए थे, मेरी और छोटू की दोनों बाइक थी एंड अभी मेरी बाइक छोड़ना है, हम लोग रिटर्न आएंगे दीपक भैया के साथ दोबारा तब उसको लेके जाएंगे भाई, और अभी फिलहाल छोटू की बाइक को लेके और लल्लू भैया चल रहे हैं आगे आगे, तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है एंड दोबारा तभी नेक्स्ट अपने टाइम फिर आना है रिटर्न होके। और आज पूरा दिन भर शूटिंग वगैरह चलेगा, दीपक भैया भी बोल रहे थे भाई वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पे दीपक भी म्यूजिक व्यूजिक लगा रहे हैं भाई, और गाना भी एक तरफा लगा है भाई तगड़ा तगड़ा सा। ये जा रहा है भाई सम्राट, देख सकते हो प्रीमियम मजदूरों को लेके भाई, और भाई ये वही वाला रास्ता है बाद में बोलना पड़ेगा, ये गाना जो है कॉपीराइट कर देगा ना, हटाना पड़ेगा। अपना मेन रोड भाई डाइवर्सन वाला सीन खत्म हो गया यहाँ से एंड यहाँ से शुरू होता है अपना NH कौन सा है, NH 130 है भाई, बिजरी टू तेलहारी मार्ग, और अब चलेगी गाड़ी मस्त वाली। बोल रहा बहरावान बाजार बाजार करना है तेरे को, पूछ रहा है बद्धा उद्धा कटवाएगा का छोटू बोल रहा है और फाइनली हम ये देख सकते हो दीपक भैया गाड़ी भी खतरनाक चलाते हैं एकदम, हाँ साइड में ही लगाना पड़ेगा। हाँ तो भाई यहाँ पे करेंगे हम लोग रील की शूटिंग थोड़ा सा दीपक भैया का, तो बैठे रहिएगा दीपक भैया।
दीपक भैया उतरिए, इधर देखिएगा, हाँ उसको अब फुल रॉयल्टी के साथ बंद, आगे आ जाइए, इधर साला करिए यार। और भाई फाइनली हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, एंड्रू को पीछे बैठा दिया गया भाई, बिकॉज दिल सूट नहीं कर पा रहा था वो, जैसा कि जानते हो मूड़ी उड़ी काट देता है ना अंशु। अरे दीपक भी है भाई, अरे एक दिन मैं पहुंच गया रहा भैया DSLR लेने, हाँ पहुंच गया रहा, 2000 चक्कर में नहीं ले पाया। अंशु है सेटलमेंट बना रहा है भाई प्रीमियम मजदूरों का, बिकॉज आज एक्स्ट्रा है 5-10, तो उनका ही सेटलमेंट बना रहा है। टोटल टोटल बहुत ज्यादा है। किससे बात कर रहे दोस्त? लद्दू अंकल है। टोटल 50। टोटल 50। छोटू फील्स बेटर। हाँ वो DSLR आ जाता है 15,000 से, लेकिन मैं देख रहा अभी 22,000 बोल रहा था उसका, मैं 18,000 पकड़ के गया रहा, मेरा दोबारा कर्जा लेने का मन नहीं किया, जैसे कि जानते हैं मोबाइल के दर की मैं कैसे कर्जा वर्जा लिया रहा, तो मैं सोचा नहीं लूँगा, कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ, इसके चक्कर में नहीं लिया, फिर ले भी नहीं पाया अभी तक। अब फाइनली सोच लिए हैं कि 1,000 जब होगा कम्प्लीट तब ही कुछ लेंगे, उससे पहले कुछ नहीं लेंगे। ले लीजिए, हम लोग भी चला लिया करेंगे, बुकिंग में ही चला लिया करेंगे हम लोग भी, और जिस शादी वादी का आता है ना सीजन, तो बहुत काम मिलता है उसमें भी, बहुत ज़्यादा काम मिलता है। अब हम लोग खुद चला दिया करेंगे भैया, क्या है, हाँ ऑटोमेटिक आपका भाई हमारे साथ, हमारे पास कैमरा भी है, आपको अगर ज़रूरत होगा तो बताइएगा। मैं पेट के नीचे है ना, वो फुल चार्ज होने के बाद पेट्रोल ऑटोमेटिक भाई, ये सिस्टम है स्मार्ट हाइब्रिड है, जैसा कि आप सब जानते होंगे दीपक भैया गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है भाई। लाइफ प्रूफ यहाँ पे चल रहा है, एवरेज बता रहा है क्या? हाँ वो एवरेज तो बता रहा है, ये देखो मैं छोड़ दिया ना, गंगा से वहाँ पहुँचता है तो एवरेज देती है गाड़ी। तो भाई एवरेज की कहानी बता रहे हैं दीपक भैया, कैसे चलाया जाता है अर्टिगा को, और ऐसे चलाएंगे तो आप भी बेटर माइलेज महसूस करेंगे भाई, तो जैसा कि दीपक भैया बताए हैं। और अभी फाइनली हम लोग कोठी पहुंच चुके हैं भाई, और अपने फ़ोन में भी चार्ज 2% बचा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं बना पाएंगे वीडियो वगैरह, एंड रिटर्निंग भी आना है तो रिटर्न ब्लॉग भी बनेगा भाई, तो वीडियो में लगे रहना एंड तक, आज पूरा एकदम लाइफ स्टाइल ही दिखा देना है, एंड वीडियो 8 बजे तक अपलोड हो पाई होगी आप जैसा कि देख रहे हो अभी। और भाई फाइनल हम लोग CGMP के बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, एंड इस साइड MP है और उस साइड आपको छत्तीसगढ़ दिखता होगा, तो बिकॉज ये है बॉर्डर जैसा कि अपन जूम करके दिखाए, एंड ये रोड तो अभी बन गई है तो बहुत ज़्यादा आराम है, नहीं तो जैसा कि आप जानते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड अभी तो। ये भाई सम्राट उड़ाते हुए गाड़ी को, और अपन लोग पहुँच चुके हैं अभी बिजली वाले रोड, मतलब मनमारी हंसवाही वाले में, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, देख रहे हो गड्ढे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं भाई इस रोड में, तो एक एक पोजिशन का गड्ढा है, या ये थार चलने वाली रास्ता है, हाँ थार चल सकती है, फॉर्च्यूनर चल सकती है लेट भरी गाड़ियों में, हाँ दीपक भैया 2 महीना बाद लेके आएंगे थार, फिर आपको हम थार में वीडियो बना के दिखाएंगे गाइस। तो अभी प्रीमियम मजदूर लोग हंस रहे हैं, हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो एकदम देख के फाइनली अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं खेत, और यहाँ है दद्दू अंकल, देख सकते हो दद्दू अंकल एंड लुल्ला अंकल खड़े हुए हैं नाम उसका अच्छा है क्या नाम है छोटू लुल्ला सो तो भाई ये है दद्दू अंकल हमारे, एंड ये आ गई प्रीमियम गाड़ियाँ प्रीमियम मजदूरों को लेके भाई। तो ये है दद्दू अंकल, हेलो कर दो दद्दू अंकल थोड़ा सा। तो गाइस तो हम लोग अभी फाइनली निकल चुके हैं, एंड हम लोग आए थे बहुत देर से है ना लल्लू भाई एक बार आराम कर चुका है, एंड सब लोग आराम कर लिए हैं, ये सम्राट भाई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे लोकेशन में
शूटिंग के लिए, बिकॉज रील शूट के लिए आज दीपक भैया का पूरा रील वगैरह बनाना है। तो भाई लोग वीडियो में बने रहो, देखते हैं किधर को जाते हैं। अपना खिलहारी बस स्टैंड है भाई, ले लेते चटपटा चीज। ऐसा हेलो गाइस, देखो वीडियो गेम जैसे लगता है ना, छोड़ो फल्ली दे दो। यहाँ से दीपक भैया फल्ली लेंगे 20 रुपए का। चेंज आप दे दिए ठंडे के लिए। तीखा चटनी दो ना, मिर्ची वाला। बिजनेस है दादा, क्या करो। मिर्ची वाला दो ना चटनी। लल्लू मिर्ची वाला चटनी खाएगा भाई। अरे यहाँ पे फाइनली मूंगफली भी ले लिए हैं और अब आगे का रास्ता होता है शुरू। और देखते हैं दीपक भैया का कैसा रील शूट होता है, आपको भी शॉर्ट फीड में देखने को मिल जाएगा भाई। सीधे लोग सीधे ले लो, फिर उधर से उधर जाएंगे, मनवारी भी जाएंगे ना। हाँ सीधा, तो वहाँ से घुस लेंगे, फिर वहाँ पे शूट कर देंगे आपको वाला। भाई अपन लोग मनेंद्रगढ़ रोड पे जा रहे हैं अभी, फाइनली मूंगफली खा रहा है भाई। देखना लल्लू गाइस, जो नमक ना गिर जाए। एंड यहाँ पे राज ट्रेवल्स खड़ी हुई है, ये सिपाही लाल का है। एक रील जितना टाइम आप बनवा लीजिए, बोल रहा था 15-20 सेकंड, वो फास्ट स्लो करके ले लें। हाँ यहीं से डाल लीजिए। सो भाई लोग, हम लोग ये पीछे साइड में जाके शूटिंग लगा के आए थे यार। एंड एक ही कैमरा में सब कुछ होता है, तो देखने को नहीं मिला होगा आपको, और मिलेगा भी कैसे। उसमें तो मैं वीडियो शूट कर रहा था भाई, और बिकॉज अपने पास एक ही है सेटअप। एंड अभी दीपक भैया दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं, आज पूरा दीपक भैया भी पसीने निकल रहे हैं जैसा लग रहा है। और एक शॉर्ट रील के लिए भाई हम लोग बहुत ज़्यादा क्लिप शूट किए हैं, अब देखना यह है कि वीडियो कितना अच्छा बनता है भाई। कुछ बोलोगे गाइस? जी गाइस, आज के ब्लॉग में शूटिंग चल रहे हैं हमारे दीपक सेठ जी के गाइस। हाँ हाँ, शॉर्ट रील। और सम्राट भाई कुछ बोलना चाहोगे यार? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता है यार, गुस्सा आ गया होगा। नहीं यार, मैं क्यों गुस्सा हूँ। ये भाई अभी गाड़ी एकदम खतरनाक एकदम मोड में आ गई है। छोटू है घरे? सोसाइटी गए है। अंशु को देखता हूँ गाइस, कहाँ पे कितना टाइम अभी? अंशु तो आ गया, चलें। तो अंशु उधर खड़ा है भाई, हम लोग एक लोकेशन से शूट लगा के आ गए हैं शूटिंग काम करके। अंशु गाइस बताएगा क्या है। अंशु कहाँ भेज दिया छोटू को? छोटू यार घर में होगा। तो कहते हैं नहीं है घर में, सोसाइटी गया है। कहाँ सोसाइटी गया है? हाँ फोन भी नहीं उठाया। कहाँ तक चलना है गाइस? अंशु गाइस कहाँ तक चलना है? इन लोग कहाँ जी मैं एकदम घुसा लो नहीं गुस्से करता है ये अंशु, बिकॉज यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है। यहाँ हो गया अब रील शूट दीपक भैया का। तो दीपक भैया आइए, उतार कुछ इधर उधर वाल वगैरह कर देते हैं ना, जो इधर से आता है ऐसे, इधर से जाता है ऐसे, आने जाने का। हाँ दिखेगा ना गाइस, अपने को क्लिप ना लेना है, बाकी तो खुदे जाएंगे तो उधर बन ना जाएगा। घर जाएंगे तो आप आइए ना नीचे ही, अभी छाया भी है यहाँ, क्लिप बढ़िया शूट कर देते हैं। बगार में कुछ दिखने में भी अच्छा दिखता। अरे तो बगार नहीं दिखाने, अपने को गाड़ी का क्लिप लेना और उसका बस क्लिप लेना। उधर कहाँ कहाँ पे लिए? वहाँ बस चलने का वो टर्निंग वाला लिया था मैं। टर्निंग वाला। सो भाई लोग ये ब्लॉग इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पुराने होंगे तो लाइक करके जाएगा भाई। और बाकी दीपक भी हाथ रहे, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। बाय गाइस।